वेलकम टू हैचटैग रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज निखिल गाइस। आज आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पावर बैंक शेप में एक हिडन कैमरा है, जो कि पावर बैंक शेप में दिया हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं और कैसे उसे हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस तरह का एक बॉक्स आता है जिसका मॉडल नंबर है H2। बॉक्स पे वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। हमने किया बॉक्स को ओपन, और बॉक्स को ओपन करने पे हमें मिलता है एक ये पावर बैंक 5000 mAh का, जो कि है इसमें ये इस तरह का रहता है। एक मिलती है माइक्रो केबल जिसके थ्रू हम इसे चार्ज कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम केबल लगा के पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें मिलती है एक स्ट्रिप, स्ट्रिप को हम ये यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि जिससे क्या है कैमरा भी हाइड हो जाए और किसी को पता भी नहीं पड़े। ये पूरी ग्लू हटता है और डायरेक्ट लग जाता है। और एक इसका मिलता है हमें मैनुअल, ठीक है गाइस। इसके अंदर आपको मैं बता दूं 32 GB तक का मेमोरी कार्ड ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेता है। तो आपको 32 GB कोई से भी ब्रांड, जो ब्रांड अच्छा हो लाइक सैंडिस्क हो गया, सैमसंग हो गया, उसका मेमोरी कार्ड हमें यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे। देखो सबसे पहले मोबाइल चार्ज करने का ऑप्शन है, अभी 75% चार्ज है। यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हो। टाइप सी माइक्रो केबल कोई सी भी हम लगा सकते हैं, और पावर बैंक खुद को चार्ज करने के लिए यहाँ से चार्ज करना पड़ेगा। कभी भी आप इस जगह से चार्जिंग नहीं लगाएंगे, आपको जो लगाना है वो इसी साइड से लगाना है, ठीक है गाइस। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा, हम इस साइड में मेमोरी कार्ड अभी इंसर्ट करेंगे और इसे ऑन करके हम अभी एक वीडियो क्लिप बनाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह की क्वालिटी इसके अंदर आ रही है। और ऊपर स्ट्रिप को लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। गाइस हमने लिया एक 32 GB सैंडिस का मेमोरी कार्ड, अब हम इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का तरीका ऐसा है कि जो H2 जिस तरफ लिखा है उस तरफ ये चिप रहनी चाहिए, और जैसे ही हम चिप को इसमें इंसर्ट करेंगे प्रॉपर, तो इसके अंदर है ना, जैसे ही हम इसमें लगाएंगे तो एक क्लिक करके आवाज आएगी। जब ये पूरा अंदर जाएगा ना तो क्लिक करके एक आवाज आएगी। अब जैसे ये दबाया तो ये क्लिक करके आवाज आएगी, मतलब ये परफेक्टली इसके अंदर फिट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम कोई ऑपरेशन पे जा रहे हैं जिसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिप को आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे फिक्स कर सकते हो। ये जो चीज है यहाँ से ये ग्लू हटा देंगे हम, और ग्लू हटाने के बाद सीधा ये ऐसा लग जाएगा प्रॉपर, ताकि किसी को भी दूसरी तरफ का पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कैमरा लगा हुआ है। अभी पर हम नहीं लगा रहे, बस आपको ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे ऑन कैसे करना है, ठीक है। मेमोरी कार्ड आपने डाल दिया, अब इसको आपको प्रेस करना है 3 सेकंड तक, तो ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक होगी, और एक बार बंद होकर चालू हुई मतलब मेमोरी कार्ड प्रॉपर लग चुका है, रेडी टू यूज हो चुका है, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अगर किसी का पिक्चर लेना है, पिक्चर लेने के लिए आपको क्या इसको एक बार प्रेस करना है खाली, तो लाइट ब्लिंक होके वापस से चालू होगी, मतलब वो फोटो इमेज आ चुका है, ठीक है। सिंगल प्रेस करने पे उसका सामने वाले का फोटो कैप्चर हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि उसका वीडियो बनाना है और वीडियो प्लस ऑडियो दोनों रिकॉर्ड करना है, तो इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। 3 सेकंड प्रेस करने पर ये जो रेड कलर की लाइट है वो 3 बार चालू होके बंद होगी, 3 बार फ्लैश होगी। 3 बार फ्लैश हुई इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। जैसे 3 सेकंड तक मैंने प्रेस किया, ठीक है, 1 2 3 बस। अब ये अगर 5 टाइम गाइज हो जाती है, 5 टाइम होगी मतलब पावर बैंक ही बंद हो चुका है, ठीक है। ये अभी नहीं हुआ सही तरीके से, वापस से मैं इसे ऑन करूंगा। ये मैंने ऑन किया, रेड लाइट एक बार बंद होकर चालू हुई मतलब रेडी टू यूज। इसको आप 3 सेकंड तक दबाओ, 1 2 3 एक बार फोटो ही आया, वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ, दबा के रखा 1 2 3 बस, 3 बार चालू होके बंद हुई मतलब अब रिकॉर्डिंग गाइस चालू हो गई है, ठीक है। अब इसे मैं कहां पे रख देता हूँ और थोड़ी देर की क्लिप बनाता हूँ। अभी हमने पावर बैंक को वहां पे रोड की साइड पे रख दिया है, ताकि जो भी रोड पे एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड होगी। और गाइस जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस जैसा कि ये वीडियो पूरा हो चुका है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं, जैसे अगर आपने कहां पे पावर बैंक रख दिया और वहां पे आप बंद करने नहीं जा सकते, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा और रिकॉर्डिंग अंदर सेव हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जैसे हमारा 1-2 घंटे का काम है वो हो गया, अब मैं इसे बंद कैसे करूंगा, बस ये बटन को प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अभी लाइट आ जाएगी। जैसे ही मैं बंद करूंगा ये यहाँ पे अभी लाइट आएगी, ये ब्लू कलर की लाइट आ गई, ब्लू आएगी या फिर रेड आएगी, 3 बार ब्लिंक होगी, मतलब ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो अंदर हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। रेड कलर की भी आती है बहुत बार, और कभी ब्लू भी आती है। और वापस से इसको ऑन करना है तो वही प्रोसीजर, दबा के रखो, रेड लाइट आई, बंद होके चालू हुई, रेडी टू यूज। अब ठीक है, अब मेरे को इसको करना है बंद, पूरा पावर शट डाउन, तो इसको दबा के ही रखूंगा।
दबा के रखेंगे तो 5 बार लाइट ब्लिंक होके बंद हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका मेमोरी कार्ड को बाहर निकालेंगे प्रेस करके, और अब हम इसे डालेंगे हमारे मोबाइल में और हम चेक करेंगे कि रिकॉर्डिंग किस तरह की आई है। ठीक है, हम इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उसको हम ओपन करेंगे। हमने 32 GB का कार्ड इस मोबाइल के अंदर हम इंसर्ट कर चुके। अब हमें जाना है मेमोरी कार्ड को ओपन करना है। फाइल मैनेजर के अंदर गए, मेमोरी कार्ड को ओपन किया, देन उसके बाद वीडियो में जाएंगे। ये 2 क्लिप हमने बनाई है, अब दोनों क्लिप को मैं प्ले कर रहा। आप सबसे पहले अपने मोबाइल में MX प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर ले, क्योंकि इसके अंदर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। MX प्लेयर के अंदर मैंने ये वीडियो को ओपन किया गाइस, और अभी हम देखेंगे कि किस तरह की क्लैरिटी इसके अंदर आई है। ये जैसा कि मैंने उसको वहां पे टेबल पे रख दिया था, ये देखिए आप ऑडियो भी बिल्कुल कंप्लीट क्लियर आ रहा है। ये हमारे सामने जस्ट नटराज होटल है, आप देख सकते हैं। अब आप क्लिप को आगे भी कर सकते हैं डायरेक्ट एकदम बाइक पे जो भी। जैसा कि हमने ये वीडियो को वापस से प्ले पॉज कर सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें आप जैसा देख पा रहे हो ऑडियो भी कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहा है। सामने नटराज होटल है हमारे, वो क्लियर आ रहा है इसके अंदर। अब जैसे वीडियो मुझे बंद करना है तो मैं एक बार प्रेस करूंगा, रेड लाइट आ जाएगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्लैरिटी, ये कोई इंटर कर रहा है व्हाइट कलर में कपड़े पहने हुए है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। नटराज होटल का गेट और हर एक चीज प्रॉपर आपको यहाँ पे विजिबल है क्लियर टीम है। अब मैं दूसरी क्लिप और प्ले कर सकता करके बताता हूँ। और इसमें आप डायरेक्ट लेफ्ट राइट आगे पीछे, जैसे 5वें मिनट की क्लिप देखेंगे तो डायरेक्ट आप 5वें मिनट पे जा सकते हो। ये मैंने मेरे शॉप के अंदर की क्लैरिटी भी बताई है, ये आप देखिए क्लैरिटी। अब मैं दूसरी क्लिप को भी प्ले करके बताऊंगा आपको कि उसके अंदर भी कैसी क्लैरिटी है जो मैंने बनाई है। वीडियो के अंदर गए, सेकंड में गए, देन उसके बाद हमें करना है MX प्लेयर के अंदर प्ले। तो ये MX प्लेयर पे मैं जाके करता हूँ प्ले, और इसकी भी क्लैरिटी अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये बाहर की मैं आपको क्लैरिटी बता रहा हूँ, सामने शॉप का भी आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल है। कंप्लीट क्लैरिटी विद ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आपको इसके अंदर मिल जाती है। प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। हमने इसे पहले चेक किया, देन इसका वीडियो बनाया, मतलब सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आप इसे निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं, और जिन्हें भी ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो नीचे दिए गए नंबर से हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।